रेडी हो चुके हैं। आज टूर का दूसरा दिन है तो हम लोग जा रहे हैं मंसूरी घूमने। कल गए थे दलौटी घूमने, तो आप भी चलिए, आप भी घूमिए। बहुत कस के धूप निकली है, स्नोफॉल का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ वही देखने आए थे पर वो तो होने ज़रा। तो अब सब रेडी हो रहे हैं, नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद में निकलेंगे। आप भी देखिए सुबह ये मेरे अने हैं, ये दीदी का बेटा है ये। तो जब आप मसूरी पहुंचेंगे तब वहाँ आपको दिखाएंगे। ये हम लोग जब मसूरी जा रहे थे तो रास्ते में रुक गए थे। इस पहाड़ के पीछे हिमालय दिखता है जो इस वीडियो में नहीं दिख रहा है, हल्का सा नज़र आ रहा है, वाइट वाइट वाइट। तो हम लोग रुक गए थे, अब हम लोग कैंपटी फॉल पहुँचने वाले हैं। अब ये देखिए कैंपटी फॉल की ढला, ये सब कैंपटी फॉल में मार्केट लगी हुई है जो अभी क्लोज है, ओपन नहीं हुई, कुछ ओपन हो चुकी है। बहुत नीचे था और हम लोगों की कार बहुत ऊपर खड़ी हुई थी तो हम लोगों को बहुत पैदल चल के जाना पड़ा। तो हम लोग कैंपटी फॉल पहुंच गए हैं। तो ये देखिए कैंपटी फॉल, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी जब हम लोग गए थे। हम लोग नीचे गए थे लेकिन इतना ठंडा पानी था, बच्चे तो वहाँ कपकपाने लगे, सब ऊपर भाग आए थे, बहुत ठंडा पानी था। पता नहीं ये लोग कैसे नहा रहे थे, बहुत ठंडा, और झा भी बहुत आ रही थी इसलिए सब ऊपर आके ही खड़े होके देख रहे थे। काफ़ी अच्छा व्यू था, बहुत अच्छा था। ये देखिए नेचुरल चीज़ के बाद में आप सब मैगी खाने बैठ के, मैगी भी बहुत टेस्टी थी। और आप टूरिस्ट प्लेस में जाओ तो मैगी का मज़ा अलग ही होता है। अब हम लोग केप इट फॉल से वोटिंग करने जा रहे हैं। तो ये देखिए वोटिंग का रास्ता, पैदल ही जाना है तो वहाँ से, तो हम लोग पैदल ही जा रहे हैं। भी बहुत सारे वोटिंग करेंगे तब आपको दिखाएंगे। वो देखिए व्यू वोटिंग की, वो देखिए वहाँ जाना है हम लोगों को। एक चीज़ है कि कैंपटी फॉल के लिए ट्रॉली भी जाती है ऊपर से नीचे। अगर आप ढलान से जाना चाहें तो ढलान से जाएं, और ट्रॉली से जाना चाहें तो ट्रॉली से, वो आपकी मर्जी है। अब देखिए हम लोग यहाँ पे बोटिंग करने आए। ये देखिए वाटरफॉल वाला ही पानी यहाँ आता है, कीप इट फॉल वाला। तो ये वहाँ गए, हम लोग बोटिंग करेंगे, एडवेंचर्स। आप भी आइएगा, घूमिएगा, बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, तो देखिए बोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, लोग बोटिंग कर रहे हैं, बहुत ठंडा पानी है।
मुझे उस पे चढ़ाना ठीक है तो अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। हम लोगों की कार ऊपर खड़ी हुई थी, हम लोग जा कैंपटी फॉल से हम लोगों की कार बहुत दूर खड़ी हुई थी, तो बस वही चल के जा। तो अब हम लोग संकुरा देवी जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे भी सेम चढ़ाई है, चढ़ाई चलते चलते थक जाओ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, बस देखिए बहुत चढ़ाई है, सबसे ज़्यादा मंसूरी में चढ़ाई है। घूमने का मज़ा अलग है, चढ़ने का मज़ा अलग है। तो ये देखिए मंदिर बस आ ही गया है, लोग पहुँचने वाले हैं, थक भी बहुत गए हैं। ये मंदिर है, इसमें फ़ोटो खींचना मना है, तो अंदर का तो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, बट हाँ ऐसे दिखा सकती हूँ, तो आप सब देखिए। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं, ऊपर दर्शन हो चुके हैं, तो नीचे उतरने का मज़ा अलग है, क्योंकि यहाँ ढाल है तो पता ही नहीं चल रहा है कब कहाँ पहुँच जाए। जितना चढ़ने में मेहनत लगती है, उतना उतरने में तो बिल्कुल भी नहीं, 1% भी मेहनत नहीं है। बस हम लोग कार के पास पहुंचने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, जहां भी जाना होगा नेक्स्ट प्लेस जाना ही है। तो ये है लवासना, यहाँ पे आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, ये सब पूरा एरिया लवासना का है। ये सब उसी के अंडर आता है, ये देखिए, ये देखिए बच्चों के भी। तो अब हम लोग आ गए बुद्धेश्वर टेम्पल, तो आप सब देखिए बुद्धेश्वर टेम्पल, इसके लिए बहुत चढ़ाई है, बहुत ऊपर था ये, तो बस बीच का स्टॉप बना रखा था बैठने के लिए, कार में होगी, इससे भी काफी ऊपर जाना था हम लोगों को। तो ये है टेंपल, यार टेंपल तो ये देखिए, ये सारी झंडियाँ लगा रखी हैं, बुद्ध लोगों में लगती होंगी मुझे नहीं पता फिलहाल, हाँ लगाई जाती है। तो बस हम लोग पहुँचने वाले, ये देखिए पहुँच गए हैं, ये एक बुद्धेश्वर जी की मूर्ति रखी हुई है स्टैचू, तो ये देखिए यहाँ पे भी बहुत कम लोग थे, लोग आते हैं देखते हैं, थकी इतना जाते हैं बस थोड़ी देर रुकते हैं फिर चले जाते हैं, लेकिन हाँ मूर्ति बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर थी। ये देखिए इसके चारों तरफ का व्यू आप देखिए, बहुत सुंदर व्यू था, बहुत ऊंचाई पे थे हम लोग। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ से नीचे देखने में, बहुत अच्छा लग रहा था। नीचे जा रहे हैं, ऊपर घूम चुके हैं क्योंकि नीचे भी जाना है, और अनय और दीदी तो ऊपर आए ही नहीं थे, थकी गए थे इतना चलते चलते, तो वो नीचे बैठे हैं, तो उनके पास भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कंपनी गार्डन आ चुके हैं, हम लोग कंपनी गार्डन जाने वाले हैं, तो प्लीज़ देखिए। तीन साल
देते हैं अभी लोग हमारे को खुला है। तो ये कंपनी मसूरी के कंपनी गार्डन की मार्केट है, यहाँ पे भी स्टॉल्स लगती हैं। तो देखिए बहुत ठंडा था कंपनी गार्डन में, सबसे ठंडा था यहाँ पे। ये है कंपनी गार्डन में वाटरफॉल। आने दो, नहीं आने दो। नहीं पापा मैं तो ले जाऊंगी। ये कंपनी गार्डन का दूसरा वाटरफॉल बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये है बेंटल लाइन, या तो ये मसूरी में होती है या फिर यह स्विट्जरलैंड में होती है, दो ही जगह होती है। तो हम लोगों को बाई चांस देखने को मिल गई। अब हम लोग वापस होटल रूम में जा रहे हैं। रात का भी है, लाइट भी बड़ा अच्छा लगता है। ये सब घर है। हेलो एवरीवन, तो अब हम लोग होटल आ चुके हैं, लगे हैं। बहुत थकान हो गई है, सुबह से शाम हो गई है, बस सफ़र करते करते घूमते घूमते मैं थक चुकी हूँ। तो ये देखिए होटल में आ चुके हैं। तो होटल का आपका बाहर का पहले बैकग्राउंड दिखाती हूँ मैं। ये देखिए बहुत अच्छा है, आप सब भी आइए घूमिए। ये देखिए अगर आप यहाँ लाल तिब्बत से भी यह देखने जाएंगे तो सेम व्यू दिखाई देगा और बहुत अच्छा लगता है। तो आप देखो, मैं आपको अंदर का भी दिखाऊंगी होटल के। अभी आप फिलहाल व्यू देखें। तो ये है होटल की एंट्री, वहां से हम लोग आए हैं। ठीक है, तो अब आपको हम रूम दिखाते हैं, चलिए। तो ये देखिए, ये पहले इधर का व्यू देख लीजिए एंड देन अब हम लोग चलते हैं रूम में। तो ये देखिए रूम, तो सब आके थक चुके हैं, तो अब सब रूम में हैं। ये देखिए डबल बेड है, सिंगल बेड है, यहाँ पे विंडो भी दी है, सेफ भी है। ये देखिए ये टीवी दे रखी है इन्होंने। अरे धूप फैल रहा है, तुम्हारी आवाज म्यूट करेंगे। और देखिए बाथरूम भी बहुत अच्छा है। तो ये हमारा रूम है। अब बस अब आए हैं, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, उसके बाद में खाना खाएंगे, फिर उसके बाद में मार्केट घूमने जाएंगे। थक तो हम लोग बहुत चुके हैं, लेकिन हाँ मार्केट लगी है तो फिर घूमना तो बनता है। इतनी दूर आए हैं तो घूमे ना तो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मुझे ये व्यू बहुत पसंद आया है, यहाँ से तो तब भी बस ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन जब हम लोग लाल तिब्बत पे गए थे तो वहाँ पे बहुत अच्छा व्यू था। आप भी कभी आइए मसूरी, घूमिए, बहुत अच्छा व्यू है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।